नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम सब पढ़ेंगे दोस्तों जो भूगोल का। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम सब माय डियर फ्रेंड्स भूगोल का। ठीक, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ेंगे दोस्तों हम सब भूगोल का। भूगोल में जो आपका जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स ज्वालामुखी, आज का जो टॉपिक है लिया गया, आज के जो टॉपिक से लिया गया वो आपका है ज्वालामुखी। ठीक है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? आपका आंसर होगा ज्वालामुखी को। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा मैग्मा। आपका अगला प्रश्न, मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घटित करता है उसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा लावा। आपका अगला प्रश्न, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित? आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी एवं भूकंप से। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर खाली स्थान महासागर अब्लिक समुद्र में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। आपका अगला प्रश्न, एल्मिस्ट ज्वालामुखी किस देश में है? आपका आंसर हो जाएगा पेरू में। आपका अगला प्रश्न, माउंट उज्जैन नामक ज्वालामुखी किस देश में है? आपका आंसर हो जाएगा जापान में। आपका अगला प्रश्न, ज्वालामुखी माउंट विसुवियस किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इटली में। आपका अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस या प्रकाश घर कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉम्बोली। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। आप सभी से आशा है कि आप सब इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे। यह वीडियो आप सभी को अच्छी कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपका किसी भी प्रकार का सुझाव है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलते हैं हम सब आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब अगला जो टॉपिक लिया गया दोस्तों भू आकृति तथा उनका विकास। ठीक है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पहला जो आप प्रश्न दिया गया, नदियाँ समुद्र में आकर मिलती है तो निर्माण करती है? आपका आंसर हो जाएगा एस्चुअरी को। आपका अगला प्रश्न, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी झील को क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा गोखुर झील को। आपका अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बना है? आपका आंसर हो जाएगा निचली या समतल प्रवाह। आपका अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह में झरने का गठन होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऊपरी या पहाड़ प्रवाह। आपका अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह में ऑक्सबो झीलों का गठन होता है? आपका आंसर हो जाएगा मध्यम या घाटी प्रवाह। आपका अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह में डेल्टा गठन होता है? आपका आंसर होगा निचली या समतल प्रवाह। आपका अगला प्रश्न, नदी के किस प्रवाह में बाढ़ के मैदानों का गठन होता है? आपका आंसर होगा निचली या समतल प्रवाह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, विसर्प मेंडर्स बे विशेष रूप है जो नदी, आपका आंसर होगा नदियों से बनते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, विभ्रंश घाटी किसका परिणाम है? आपका आंसर होगा भ्रंशन का। आपका अगला प्रश्न, ग्रैंड कैनियन किस नदी तट पर अवस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कोलोराडो। आपका अगला प्रश्न, उत्सृत कूप से जल अपने आप किस कारण से ऊपर बहता है? आपका आंसर होगा भू ऊष्मीय ऊर्जा या जियो थर्मल एनर्जी की भी कहते हैं इंग्लिश में। आपका अगला प्रश्न, कौन सा भू स्वरूप हिमशिला से बनता है? आपका आंसर होगा गिरी ताल। आपका अगला प्रश्न, ग्लेशियर से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर हो जाएगा यह बर्फ के संगठन से निर्मित धीमी गति में गतिमान बर्फ का टुकड़ा है। आपका अगला प्रश्न, लटकती घाटियों का निर्माण अवलिक उत्पत्ति खाली स्थान की क्रिया से होती है? आपका आंसर हो जाएगा गतिमान हिम के द्वारा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, घाटी गोर्गेज एक नदी के किस गतिपथ में बनते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऊपरी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, किस प्रकार के मैदान नदियों द्वारा गठित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा लोएस मैदान। आपका अगला प्रश्न, कौन सा स्वरूप ज्वालामुखी का परिणाम है? आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी कुंड। आपका अगला प्रश्न, हिम नदी ग्लेशियर किससे बनती है? आपका आंसर हो जाएगा बर्फ का जमाव। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को चैनल पर पहली बार है तो चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। यदि आपका किसी प्रकार का कमेंट है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो हमें जरूर बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स पर्वत का। पर्वत
पर्वत का पहला प्रश्न है दोस्तों, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? आपका आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। आपका अगला प्रश्न, आल्पस किस प्रकार के पर्वत हैं? आपका आंसर हो जाएगा मोड़ वाली। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप से कौन सा पर्वत यूरोप एवं एशिया को अलग करने वाली सीमा का कार्य करती है? आपका आंसर हो जाएगा यूराल का। आपका अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आपका आंसर हो जाएगा एंडीज। आपका अगला प्रश्न, ब्लैक कॉटन किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा पुराने पर्वतों का झुंड। आपका अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा नेपाल में। आपका अगला प्रश्न, पहाड़ों के किस प्रकार में जीवाश्म पाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा बलित। आपका अगला प्रश्न, बाल्कन पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फुट है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29,000 फुट। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के पास करना ना भूलें। और आपका भी किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को वीडियो देखने के लिए, और इतना सारा प्यार के लिए, अपार प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।